So hi, welcome to all of you to Beginner to Master platform for UPSC CSE by An Academy. So let's crack UPSC CSE with India's largest online learning platform, that is An Academy. यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगे डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस बहुत सारी ऑसम वीडियोस का. तो इसके लिए आपको केवल अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद आप इन सभी बेहतरीन ऑसम कोर्सेस के फायदे उठा पाएंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years इन करंट अफेयर एंड GS, एंड दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर. अन अकेडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जो आपके एम यूपीएससी को पूरा करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं. यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगे 15,000 से प्लस कोर्सेज. अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 15,000 प्लस कोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में. तो चलिए अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस के बारे में. तो इन सभी कोर्सेज का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो आप प्लस कोर्स को ले सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको पड़ेगा 44,000 रुपीज का. बट सेम अगर आप उस पर आलोक YT कोड इस्तेमाल करेंगे तो वो मात्र आपको पड़ेगा 39,600 रुपीज का. सेम उसी तरीके से अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट है 64,000 रुपीज. बट अगर आप उस पर आलोक YT कोड इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको पड़ेगा मात्र 57,600 रुपीज का. तो और आप सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब्सक्रिप्शन को आप EMI पे भी ले सकते हैं 6, 12 और 24 महीने की, वो भी नो कॉस्ट EMI. तो इसके लिए आपको क्या है प्लस में आपको क्या क्या प्रोवाइड होगा. लाइव क्लासेस प्रोवाइड होंगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होंगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल प्रोवाइड होगा. तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी प्लस सब्सक्रिप्शन में. आगे हम बात करते हैं अन अकेडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की. तो आइकॉनिक एक सबसे जबरदस्त और सबसे बेहतरीन सब्सक्रिप्शन है मार्केट में. आइकॉनिक में अन अकेडमी प्रोवाइड करेगा आपको एक मेंटोर, और वो मेंटोर का काम ये होगा कि वो आपको गाइड करेगा पूरे तरीके से आपके एग्जाम को क्रैक करने में. आप अपने पर्सनल क्वेरीज पूछ सकते हैं रिलेटेड टू प्रिपरेशन एंड एनीथिंग, और यहाँ पे वो अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा जिसका आप यूज़ कर पाएंगे अपने एग्जाम में और ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए. तो आप देख सकते हैं आइकॉनिक में आपको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी वो प्रोवाइड होंगी, पर्सनल कोच प्रोवाइड होगा, डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रोवाइड होगी. तो डेली मेंस का आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, उसकी प्रॉपर फीडबैक आपको मिलेगा और सब कुछ मिलेगा. ये बहुत बेहतरीन चीज़ है आपके मेंस के लिए, सबसे बेहतरीन चीज़ यहाँ पे ही है. फिर आपको स्टडी प्लानर मिलेगा पूरी तरीके से फैकल्टी की तरफ से कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे आपको पूरी चीज़ें करनी है. और फिर आपको प्रोवाइड होगा आपका पर्सनलाइज फीडबैक कि आप कहाँ पे कितना लैग कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेज तक लेके जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका कितने का है, 64,000 रुपीस का. और अगर आप उस पर आलोक YT कोड इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको पड़ेगा 57,600 रुपीस का. तो ये आप 12 और 24 महीने की EMI पे ले सकते हैं. सेम उसी तरीके से अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट है 99,000 रुपीज. बट सेम अगर आप उस पर आलोक YT कोड का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको पड़ेगा मात्र 89,100 रुपीज का. तो ये ऑसम से सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप इन ऑसम कोर्सेज का पूरी तरीके से फायदा उठा पाएंगे. तो जैसे ही आप इन सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी सारी स्पेशल क्लासेस, सारी सब्सक्रिप्शन की क्लासेस जो है आपकी खुल जाती हैं, ठीक है. और इनमें आप क्या करते हैं, देखिए आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो कुछ ही हैं केवल. जैसे जुलाई एक मंथ के पूरे 600 प्लस MCQ करते हैं, टारगेटेड करंट अफेयर के MCQs करते हैं, फिर मोस्ट प्रोबेबल MCQ करते हैं, स्टैटिक पोर्शन से डेली करंट अफेयर करते हैं, और भी रिलेटेड MCQs करते रहते हैं आप, ठीक है. और इसके साथ पूरे कोर्सेज आपको अलग अलग से प्रोवाइड होते रहते हैं. सो लेट्स क्रैक इट. तो आप हम करने जा रहे हैं 25th एंड 26th अगस्त के हमारे करंट अफेयर के जितने भी MCQ बनते हैं उन्हें हम करने जा रहे हैं. तो जैसे हम अपने लेक्चर की स्टार्ट हमेशा करते हैं कोट के साथ, तो इस कोट को देखते हैं जोसेफ ई स्टिंगलिट्स के द्वारा, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है. तो इनका कहना है कि डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ पीपल, नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमीज, ठीक है. तो इसे आप GS पेपर 3 में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपका GS पेपर 2 में भी काम आएगा, और इससे भी तो हर जगह काम आते ही हैं, ठीक है. तो वहाँ पे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया जब तक हम लाइफ अगर लोगों की अच्छी करेंगे तभी वो डेवलपमेंट की तरफ बात जाएगी. अगर लाइफ अच्छी नहीं है, केवल पैसा ही पैसा है बट अच्छी लाइफ नहीं है, तो क्या नाम है, डेवलपमेंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है. वो डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं गिना जाएगा. तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई
क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए सो देखते हैं इसमें करेक्ट आंसर हमें निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी यानी 1 और 3, क्योंकि जो जल जीवन मिशन की जो टारगेट्स हैं वो 2030 तक नहीं, वो 2024 तक है। क्या है? 2024 तक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से रिलेटेड। कई बार इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले से। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है एक, ठीक है, स्टार्ट हुई थी 11 5-year प्लान पीरियड में, और इसका टारगेट है 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ, सही है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फंडिंग स्टार्टअप्स में करेगी, ठीक है। चलिए तो इसकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है, तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। कुंभी वतोत्सम इज अ टाइप ऑफ, क्या है ये आपको बताना है। इसके ऊपर 2-4 बार पहले भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और इसलिए लगातार करते जा रहे हैं ताकि आपको रटा रहे, याद रहे, ठीक है, क्योंकि इसकी इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक सेटेलाइट है, सुपर कंप्यूटर है, फेस्टिवल है, सिटी है, क्या है ये? ये क्या है? ये एक फेस्टिवल है, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। कहाँ हो रहा है? केरला में हो रहा है, ठीक है, कर चुके हैं पहले इसके बारे में हम लोग। क्या है? नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। कौन कौन करा रहा है? WWF, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, UNEP, UNDP, IUCN, फिर इंडिया ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी, ये सब मिलकर करा रहे हैं, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई किस लिए इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक बायो इंडिकेटर है फॉर बायोलॉजिकल हेल्थ इन एन एरिया। तो अगर ये होते हैं तो वहाँ पे बायोलॉजिकल हेल्थ यानी वहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है, काफ़ी अच्छा है। चलिए सॉरी एक मिनट, ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे आता है पार्टिसिपेटरी नोट से रिलेटेड। इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, बट हमने केवल वहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन किया था। यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हैं आपके पास, और आपको यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए पूरा डिटेल में इसको हमने किया हुआ था। चलिए तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी इसकी? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ओनली 3, ठीक है, क्या होगा आपका? ओनली 3 जो सी है आपकी ये होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हम लोग, मैग्नेटिक हाइपरथर्मिक मेडिकल कैंसर थेरेपी। चलिए तो अगर हम देखें इसमें तो ये इन्वेजिव नहीं होती है, नॉन इन्वेजिव है। क्या है?
नॉन इन्वेजिव है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसमें गलत है, ठीक है। सो सेकेंड एंड थर्ड यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, लेस्मेनिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, काला अजर। इनकरेक्ट बताना। सो कह रहा है इसमें ये आप देखेंगे कि ऑल केसेस नहीं है, 95% केसेस है, ठीक है। तो 5% कहीं और से भी तो है, अगर यहाँ पे मैक्सिमम लिखा होता तो बात सही होती। तो सेकंड यानी ए विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट, बाकी दोनों सही है तो उसमें क्या करें। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आ रहा है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ये तो आरबीआई कराता है, ये तो एकदम श्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन का काम उसके पास है। तो करेक्ट क्या होगा इसमें, इसमें होगा आपका बी, यानी 1 और 3 विल बी द करेक्ट। ये पहला नहीं है, सेकंड ऐसा है, ठीक है। 1 और 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ये सेकंड एनएसएफई है। चलिए तो ये पूरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल को आप देख सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर होता है, पूरे नीचे के नीचे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर रन करता है। 5C आप देख सकते हैं, कंटेंट कैपेसिटी कम्युनिटी कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन। चलिए नौखाली जौहर, पहले भी किया हुआ है पिछले महीने, फिर से ये आ रहा है। इम्पॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन, तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी 1, ओनली ए, मतलब ए ओनली यानी 1। चलिए कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है, ध्यान रखना। और ये 12वीं सेंचुरी का है, मॉडर्न नहीं है। चलिए तलकाई फोक डांस इज पॉपुलर ऑफ, कहाँ पॉपुलर है, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उड़ीसा या फिर झारखंड। तो ये कहाँ का पॉपुलर डांस है, ये है उड़ीसा का, कहाँ का, उड़ीसा। उड़ीसा का ये डांस है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बहरूपियास। चलिए बहरूपियास के बारे में आपको बताना है, बहरूपियास। चलिए तो डांस नहीं है, इट्स अ थिएटर, बहरूपिया थिएटर होता है, तो डांस नहीं है। 1 गलत है और सेकंड थर्ड दोनों सही है, तो यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ये देख सकते हैं आप बहरूपिया के गेटअप में ये लोग। चलिए नेक्स्ट, चोरा म्यूजियम इज लोकेटेड इन, कहां पे चोरा म्यूजियम आपका लोकेटेड है, आपको ये बताना है। तो कहां पे है चोरा म्यूजियम, चोरा म्यूजियम है आपका टर्की में, कहां पे, टर्की, ठीक है। तो इसे भी कन्वर्ट करने की बात की जा रही है म्यूजियम से मॉस्क में। चलो
नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एपीआई सर्विस की बात हो रहा है, ओपन एपीआई सर्विस की, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है, तीनों के तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने। तो इसमें बस चार मीनार देखा जाए तो कुतुब शाह ने बनाया था, आदिल शाह ने नहीं बनवाया था, ठीक है, तो कुतुब शाह ने बनवाया था ना कि आदिल शाह ने, तो ये गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो वही है, हैदराबाद से पूरा रिलेटेड और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने सारे कर लिए। सिटी ऑफ पर्ल कहा जाता है, सिटी ऑफ निज़ाम कहा जाता है, कुतुब शाही डायनेस्टी, ठीक है। चलिए और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, गोलकोंडा फोर्ट, चार मीनार, मक्का मस्जिद, वारंगल फोर्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लोकायुक्त, लोकपाल एंड गोया लोकायुक्त से रिलेटेड ये पॉइंट है। लोकपाल स्टेट में कहाँ होता है, ये तो सेंटर में होता है ना, तो सेंटर में होता है तो ये तो गलत है, ये गलत है। तो सही क्या बचा आपका, केवल 1 and 3 यानी आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनकरेक्ट बताना है इसमें हमें। तो नहीं, ये मेंशन ही नहीं है भैया, तो ये गलत है, बाकी दोनों ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एशिया एंड बियॉन्ड, ठीक है, शंघाई में कहाँ है, सेकंड गलत है, और 2003 से ऑपरेटेड नहीं, 2016 से ऑपरेटेड है ये, तो ये गलत है दोनों, सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट यानी रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट ये दोनों। चलिए महाराष्ट्र ने 500 मिलियन का लोन लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019, इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न सामने आ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड पॉइंट है। चलिए तो करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, ग्लैंडर्स, करेक्ट बताना है आपको ग्लैंडर्स से रिलेटेड।
वैसे तो देखा जाए इस क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ दिक्कत हो गई, यहाँ पे बैक्टीरियम नहीं देना था बट दे दिया है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप बड़े आराम से पकड़ सकते थे कि यहाँ पे बैक्टीरियम है और यहाँ पे वायरल लिखा है, गलत स्टेटमेंट होगी। सेकेंड एंड थर्ड विल बी द सही एंड फर्स्ट विल बी द रॉन्ग। चलो हॉर्सेस और उससे रिलेटेड स्पीशीज में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डाटा लोकलाइजेशन फॉर इंडिया क्यों नेसेसरी? डाटा लोकलाइजेशन यानी जो कंपनीज हैं वो सारा डाटा क्या करें, इंडिया में रखें, ये क्यों जरूरी है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं वो एकदम सही हैं, तीनों के तीनों एकदम सेटिस्फाई पॉइंट है, तो ये डी विल बी द ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनकरेक्ट बताना है आपको। तो ये नीति आयोग के अंडर नहीं है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप वेस्टर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर और इन पे रिलेटेड कौन कौन सी सिटी पड़ती है, ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंडिया का लार्जेस्ट रिवर रोपवे कहां पे है? नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू या आसाम? तो ये कहाँ पे है आपका? आसाम में। कहाँ बना है अभी? आसाम में रिसेंटली इसको बनाया गया। चलिए, ब्रह्मपुत्र के ऊपर। नेक्स्ट, बोंडास, बोंडास टाइप्स के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहली चीज़ ये एमपी में नहीं है, यूपी सॉरी उड़ीसा में है, ठीक है, तो ये गलत है, बाकी दोनों एकदम सही हैं, तो सी यानी डी, सी यानी टू एंड थ्री विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, जया जेटली कमेटी किससे रिलेटेड है? इसको कई बार हम लोग कर चुके हैं। तो ये आपके रिलेटेड है रिफॉर्म इन एज ऑफ मैरिज, रिफॉर्म इन एज ऑफ मैरिज से रिलेटेड है। चलिए, नेक्स्ट, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन किया है हमने, पूरा एडिटोरियल था इसके ऊपर। चलिए, सो डी यानी ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है, सारे सही हैं। ठीक है, चलिए, तिस्ता रिवर, वापिस से डिस्प्यूट आ रहा है, तो ये हमेशा चलते ही रहते हैं रिवर डिस्प्यूट, कहीं ना कहीं किसी कंट्रीज के बीच में, स्टेट्स के बीच में, तो ये वापस डिस्प्यूट न्यूज में है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव, डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में रिलेटेड। नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। और आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट बताना है, और बड़े आराम से आप इसमें से इनकरेक्ट निकाल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आराम से।
देखिए TDPS जो बोल रहा है ये 75% अर्बन अर्बन में बोल रहा है यहाँ पे और 50% रूरल में बोल रहा है, ये हो कैसे सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सेकंड यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर। तो स्टेट ऑफ केरला ने नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बनाया, तो ये गलत है। तो सेकंड एंड थर्ड बाकी दोनों सही हैं, बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फेलोविनाइट्स, पहले भी हम लोग कर चुके हैं इसके बारे में, फिर से एक क्वेश्चन है, तो ये सारे पॉइंट मैंने वहां पे बताए थे। तो इसका क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, सारी सही स्टेटमेंट है इसकी। चलिए सो यहां पे हमारे जो डेली करंट अफेयर एमसीक्यू थे वो पूरे के पूरे खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपनी एमसीक्यू की सीरीज को करंट अफेयर के डेली करते जाएंगे। तो आप पुराने लेक्चर्स और क्या नाम है, जो भी ये नए आते रहते हैं इन्हें देखते रहिए। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको सारे करंट अफेयर में जितने भी मैक्सिमम पॉइंट्स आपको उन करंट अफेयर से रिलेटेड चीजों में ध्यान रखने हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो चलिए, सो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं आलोक YT टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अन अकेडमी ऑल सब्सक्रिप्शन, एंड दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर एनी रिलेटेड क्वेरीज। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सो लेट्स क्रैक इट एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।